और इंपॉर्टेंटेंस मुझे दूर रहना है और हैं। हैं। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू की आप लोग सब लोग कैसे हो आर यू ऑल फाइन सब ठीक हो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वट एवर यू आर डूइंग जिस चैनम कॉमेंट सेक्शन हाउ आर यू ऑल आई नो बी ए स्टूडेंट जैसे ही ये मंथ स्टार्ट होते हैं हमारे दिसंबर आ गया है आती है है तो जैसे मंथ स्टार्ट हो जाते हैं हमारे प्री बोर्ड अराउंड द कॉर्नर एक हफ्ते में आपके प्री बोर्ड शुरू हो सकते हैं हो सकता है आने वाला हो तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसमें हम स्टूडेंट्स काफी ना पैनिक टाइप के हो जाते हैं हमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत प्रेशर आ गया है हमारे ऊपर है ना तो आज जरा प्लीज़ मुझे बता दीजिए दिस वीडियो इज़ नॉट दैट कि मैं आज आपको आगे बस ये बोलने वाली हूँ कि पढ़ो गाइस पढ़ो आपको अच्छे से पढ़ना है इतना समय पढ़ना है देखो वो काम तो हमें करना ही है बट आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे को बहुत ज़्यादा हमारे माइंड को प्रेशराइज कर देती है और हम चाह के भी जो पढ़ाई हमें करनी है वो नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब स्ट्रेस को वो सब टेंशन को हमें रिलीज करना पड़ेगा हमें एक सही पाथ जानना पड़ेगा अपनी जर्नी के लिए तभी हम जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे वो मिस्टेक्स को सोचना पड़ेगा जो हम डेली बेसिस पे करते हैं और उस वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है तो सबसे पहले देर इज नो नीड टू वरी कोई पैनिक होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है ये वो समय आता है जब बच्चे सोचते हैं मैं तो जीरो लेवल पर मेरी प्रिपरेशन चल रही है मुझे तो कुछ भी नहीं आता है आई एम सो लेट अब कहा मेरे नब्बे आने वाले मेरे तो अस्सी भी नहीं आएंगे इस टाइप की डिमोटिवेशन हमारे अंदर भर जाती है और कई बार हमें ऐसी बातें सुनने को भी मिलती है अरे अब कुछ नहीं हो सकता आप बहुत मैं निकल चुका है आप कुछ नहीं कर सकते एंड ऑल दैट तो ये वीडियो में मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं कि कुछ नहीं होगा आप नहीं पढ़ोगे तो एंड ऑल दैट टेक अ चिल गाइस बोर्ड एग्जाम्स है आपकी लाइफ का सबसे आप कह सकते हो एक सबसे अच्छा मौका आपको मिलता है इन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर और आपको एक बोर्ड एग्जाम्स की सच्चाई बताऊं ये सरप्राइज होता है हर बोर्ड एग्जाम का क्या कि जो बच्चा पढ़ा है बोर्ड एग्जाम के लिए और जो बच्चा पेपर में लिख कर आया है अच्छे तरीके से जो उसने पढ़ा है तो उसको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे और इतने नंबर मिलेंगे जितने आपने कभी पहले सोचे नहीं होंगे चाहे आप पहले सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक जितनी भी आप कराए सिक्स से लेकर टेंथ तक चाहे आप आज तक टॉपर नहीं बने चाहे आज तक आपके 90 प्लस नहीं आए बट अगर आप मेहनत करोगे ना इन बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ऐसे मार्क्स आपके आ सकते हैं गाइस कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि वाओ मैंने जो मेहनत करी है उसका फल मुझे मिल गया है कंडीशंस क्या है यहाँ वो मैंने लिखी हैं उन बातों को ध्यान में रखो आप अभी के समय पे सबसे पहली चीज क्या है गाइस अपने आप को प्रेशराइज मत करना ये आखिरी दो महीने बचे हैं आई नो यू ऑल्सो नो मेनी पीपल विल टेल यू ऑल्सो आखिरी दो महीने हैं इवन आप अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो कि अरे अब तो बहुत कम समय बचा है हमें तो कुछ नहीं आता है एंड ऑल दैट ये सब बातों से हम कई बार प्रेशराइज हो जाते हैं तो ये सब बातें करना छोड़ दो अभी के लिए टू मंथ्स बचे हैं तो टू मंथ्स में क्या पढ़ाई करनी है वो सोचो आप बार बार अपने आप को बर्डन नहीं करना है आई नो बहुत बर्डन हो जाते है, सोच सोच के मुझे तो ये सब्जेक्ट भी नहीं आता मुझे तो वो सब्जेक्ट भी नहीं आता मेरे को ये भी नहीं आता मेरे को वो भी नहीं आता अगले वाले प्री बोर्ड का मेरे रिजल्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं मेरे को प्रैक्टिकल फाइल मेरी अभी तक रेडी नहीं है उसकी तो प्रैक्टिकल फाइल भी रेडी हो गई है सो ऑन इतनी बातें दिमाग में आती है दिमाग बिल्कुल ही प्रेशराइज हो जाता है और कुछ पढ़ाई नहीं होती है तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सॉल्यूशन क्या है ये जो इतना प्रेशर आप करते हो अपने दिमाग का वो है एक बहुत बेहतरीन सा स्टडी प्लान जो आप अपने इस पंद्रह दिनों के लिए बनाओगे फिर अगले पंद्रह दिनों के लिए बनाओगे और डेली बेसिस पे उसको फॉलो कर लगे बट अभी इस वीडियो में स्टडी प्लान नहीं बताने वाली हो स्टडी प्लान बनाएंगे कल टेंथ और ट्वेल्थ का बट स्टडी प्लान फॉलो तब होगा जब कुछ बातों को आपने समझ रखा होगा समझ गए तो सबसे पहली चीज़ है खुद को प्रेशराइज मत करो दो महीने बचे हैं दो महीने बचे हैं दो महीने बचे हैं नहीं गाइस बोर्ड एग्जाम्स है एक्साइटेड हो जाए हाँ दो महीने बचे हैं ठीक है भैया ये ऐसे 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 पढ़ाई करनी है ठीक है दूसरी चीज़ क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है गाइज हम डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं दूसरी चीज़ क्या आती है जब भी मैं कॉमेंट सेक्शन ओपन करती हूँ तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है ज़्यादातर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कोई बात दिमाग में आ जाती है कभी किसी दोस्त से कोई बात हो गई तो उससे चैट चल रही होती है और कभी कोई फ्रेंड ग्रुप पर कोई बातें चल रही होती हैं कभी मैं अपने आप जो है स्क्रोलिंग तो कर करके टाइम वेस्ट कर कोई सोल्यूशन तो नहीं मिल पा रहा है तो अगर ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना गाइस तो एक बार अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करके ना आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो कार्टून देखा होगा डोरेमोन ठीक है अभी भी आता है बचपन में हम सब ने देखा है तो आपने देखा होगा डोरेमोन का एक एपिसोड था जिसमें जो नोबिता था जो बड़ा था नोबिता हाई स्कूल का था और उससे भी बड़ा ला कॉलेज वाला वो दोनों उस नोबिता के पास वापस आते और उसको आके बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी वो उसके फ्यूचर सेल्फ होते हैं ना वो उसको आके बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी और इवन हम भी जब देख रहे होते हैं कार्टून को हम देखते हैं अरे यार कैसा बच्चा है ये इसके बाद तो डोरेमोन भी है इतने अच्छे अच्छे से गैजेट क्यों नहीं पढ़ा लिखता ही अच्छे तरीके से और वो फ्यूचर सेल्फ भी आके नोबिता बिहता कि उसको क्या कहते हैं कि भाई तू पढ़ लेता तो अपने आप को ना उसी सिचुएशन में रख लो अगर आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाई टाइम पर फोन चला रहे हो बातें कर रहे हो चैटिंग कर रहे हो अभी भी आप लोग जो है उन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हो जो आपका टाइम वेस्ट करा रही हैं ओवर थिंकिंग कर रहे हो अरे भाई उस पार्टी में जाना फेयरवेल के ये कपड़े ये वो यहाँ पे आफ्टर पार्टी होगी अगर इन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो समझ जाना कि आपका फ्यूचर सेल्फ कल को आपसे नाराज़ होगा रिजल्ट डे पे कि क्यों मैंने टाइम वेस्ट करा क्यों तुमने टाइम वेस्ट करा तब वही तुम सोच रहे होगे कि तब मैं पढ़ लिया होता तो इसके लिए गाइस अगर आपसे आज तक कोई प्लान फॉलो नहीं हुआ ना स्टडी प्लान अगर आपसे आज तक कोई स्ट्रेटेजी बनाई भी फॉलो नहीं हुई अगर आपसे कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ तो एक बार बैठ के ज़रा आराम से सोचो कि अगर अब भी नहीं करोगे चीज़ों को फॉलो अब भी अच्छे से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे गुस्सा होगा तो हमें अपने फ्यूचर सेल्फ को गुस्सा नहीं करना है इनफैक्ट हमें तो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए अपने फ्यूचर के लिए एक ऐसा दिन तैयार करना है वो रिजल्ट डे वाला ये मिठाई का डब्बा हो हमारे पेरेंट्स के हाथ में न्यूज़ वाले हों हमारे घर के बाहर और ढोल बज रहे हों हमारे पूरे मोहल्ले में हमारे लिए तो उसके लिए एक बस अभी से बोर्ड एग्जाम्स आर कमेंग ये अपने दिमाग में बिठा लो और डरना नहीं है डिमोटिवेट नहीं होना है जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी कि अपने आप को डर में नहीं लाना है डिमोटिवेट नहीं करना है बस पढ़ना है हमारे को इन सब चीजों को डील करते हुए नेक्स्ट चीज क्या आती है गाइज इस चीज़ को ना ये जो आपके बोर्ड आ रहे हैं टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी येस वी ऑल नो सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आर फ्यूचर वी ऑल नो वेरी वेल बट गाइज एक मौका मिला है ना हमारे को टेंथ का बोर्ड है ट्वेल्थ का बोर्ड है एक मौका मिला है ना तो क्यों ना इस मौके में हम अपनी हंड्रेड परसेंट दें क्यों ना जब हमारे पास चांस है कि हम अच्छे नंबर ला सकते हैं हम खुद को प्राउड फील करा सकते हैं पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं तो क्यों ना हम उस अपॉर्चुनिटी को जो है एक बार अच्छे तरीके से अपने करके दिखाएं उस अपॉर्चुनिटी में ठीक है भैया बोर्ड एग्जाम है मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ बट बोर्ड एग्जाम आए हैं अभी मेरे सामने तो मुझे इनको भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वाले नंबर से पार करना है ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ कई बार हम अपनी ना मेन गोल को ही भूल जाते हैं लाइफ ऐसी होती है लाइफ की भागदौड़ में कभी स्कूल जा रहे हैं ट्यूशन आ रहे हैं घर आ रहे हैं हम मेन गोल भूल जाते हैं क्या कि भाई हम पढ़ रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो मेन गोल को मत भूला करो अपने जब भूलते हो तो ख़ुद को याद दिलाया करो अगली चीज़ क्या है गाइस कि आपकी पढ़ाई तब होगी अच्छे से जब आप एक रूटीन फॉलो कर रहे होगे और बहुत मुश्किल होता है रूटीन में आना आसान बात नहीं होती है एक दिन आपने एक चीज़ करी अगले दिन कोई काम आ जाता है अगले दिन कभी नींद आ गई कभी आप लेज़ी हो रहे हो कभी तबियत ख़राब हो गई फीवर हो गया कोल्ड हो गया सो एंड सो रीजन से या कभी कभी स्क्रोलिंग करते हुए टाइम पता नहीं चला रूटीन नहीं बन पाता है तो रूटीन बनाना आपको शुरू करना पड़ेगा रूटीन बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप लोगों के जो स्टडी आर्ट्स हैं उसको डे वाइज प्लान करो हर दिन अपने आप को एक शॉर्ट गोल दो हर दिन जब आपका पढ़ाई का टाइम शुरू हो रहा है उस पर पे एक पेपर पर पे लिखो ये चैप्टर ये चैप्टर कंप्लीट करना है और पढ़ने बैठ जाओ जब तक वो कंप्लीट नहीं होता आपको पढ़ते रहना है ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो और अगर तीन चीज़ें तुमने पेपर पे मेंशन करी थी अगर उसमें से एक रह जाती है तो एटलीस्ट आपके दिमाग में पता होगा आपको शायद गिल्ट भी हो सकता है कि अरे यार आज तीन चीज़ें सोची थी और दो ही हो पाई हैं और अगर हम ये नहीं करते डेली बेसिस पे गोल्स फिक्स नहीं करते तो हमें लगता रहता है हाँ हो रही है पढ़ाई हाँ कल पढ़ लेंगे आज पढ़ लेंगे और फिर हर महीने बाद क्या लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसके लिए डेली बेसिस पे अपने गोल्स फिक्स कीजिए एक नोटबुक बना के रखिए अभी तो आखिरी दो महीनों के लिए स्टिकी नोट्स का एक पैकेट ले लीजिए और रोज अपना जब आप ट्यूशन से घर आ जाते हो ट्यूशन नहीं जाते हो तो जब स्कूल से घर आ जाते हो तो आज आप क्या पढ़ने वाले हो पूरे दिन में रोज़ लिखो देखो कैसे आप कंप्लीट नहीं करो अगर आपको कंप्लीट नहीं कर पाओगे जो आपने लिखा है तो आपको पता होगा हाँ मेरी गलती है मैंने टाइम वेस्ट करा मैंने जो चैप्टर लिखा था रिवीजन जिसका करना था वो नहीं हुआ कंप्लीट तो ये एक रूल बना लो अपना कि आप रोज़ पेपर पे लिखोगे मुझे ये कंप्लीट करना है तब होगी आपसे कोई भी स्ट्रैटेजी कोई भी टाइम टेबल फॉलो तब होगा आपका सिलेबस रिविजन बढ़िया तरीके से जब आप डेली बेसिस पे गोल्स बना के उन्हें कंप्लीट कर रहे होगे तीन लिखे हैं तीन में से दो हुए गुड ना फिर कल को ऐसा आपके अंदर जो है आ, पावर आ जाती है कि अच्छा तीन लिखे है ना तीनों के तीन होंगे कल को चार भी स्टार्ट कर सकते हैं हम कि चार अपने चीज़ें डिसाइड कर ली कि इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लिया कि ऐसे स्टीडिवाइज कर ली और ऐसे मैथ्स कर रहे हैं तो इस तरीके से डेली बेसिस पे गोल्स बनाओ एक और चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है दूसरों को देखना छोड़ दो स्पेशली अपने दोस्तों को उसका कितना सिलेबस हो गया उसका कितना नहीं हुआ है बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है इस चीज़ को लेकर मेरे साथ खुद होता था जवन आई इन क्लास ट्वेल्थ कई बार तो मेरा ही ज्यादा सिलेबस कम्प्लीट हो रखा होती थी आ, मेरे ट्यूशन में पढ़ती थी ठीक है अब उसका क्या था वो इको के ट्यूशन में जो सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर वाले और कोई पता नहीं कौन सी बुक थी जिसका मुझे मैंने को इतना मैंने पढ़ी नहीं हुई थी उसके पीछे के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हमारे सर के पास जाती थी समझने के लिए और उसे देख के मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती थी कि भाई इसको तो इतना सब कुछ आता है ये तो उन वाले क्वेश्चन आंसर्स में पहुंच गई है मेरा तो ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ मैं तो अभी यही वाले नहीं मेडिकल करूँगी मेरे तो अभी यही कम्प्लीट नहीं हुआ ये पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन करके बैठ गई है और ये सोच में मेरा इतना मतलब परेशान सा हो जाता है उसकी वजह से मेरा आधा-आधा कि एक घंटा बर्बाद हुआ है तो इसके लिए आपको मैं बता रही हूँ कभी मत देखना किसका क्या पढ़ाई होगी किसी की क्या पढ़ाई नहीं होगी अपनी पढ़ाई से मतलब रखो अपने डेली गोल्स बनाओ और उनको पूरा करते रहो नेक्स्ट चीज़ क्या है आपको रोज़ पढ़ाई करनी है साथ ही के साथ रोज़ एक ब्रेक टाइम भी जरूर रखना है कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाई 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 तो होती नहीं है ना ही हमें फ़न का टाइम मिलता है तो एक बढ़िया सा अपना रूटीन ऐसा बनाना है कि उसमें एक घंटे आपका ना ब्रेक टाइम हो चाहे वो एक घंटा लगातार हो चाहे पंद्रह पंद्रह मिनट के सेशन में हो आपका उसमें आप रिलैक्स करियो आराम से चिल मारो भैया सिंचन लगाए दो एपिसपोड देखियो चिल मार लिया या दो गाने चलाए अपने फेवरेट सिंगर के और भाई चिल मार रहे हो आप चाय बनाई अपने लिए बढ़िया सी चिप्स का पैकेट लेकर आए हो आराम से कोई उस समय कोई टेंशन नहीं क्या बोर्ड क्या नहीं है बस एक घंटा दिन में चाहे वो एक घंटा लगातार आप कर सकते हो कि पूरा एक घंटा अपना उस समय फोन भी चला सकते हो कोई दिक्कत नहीं या पंद्रह पंद्रह मिनट का आधे घंटे का आप क्या एक घंटा दिन में ब्रेक टाइम जरूर रखना इसको ना एक घंटे से एक करना ना एक घंटे से कम करना कम कर रहे हो तो अच्छी बात है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बट एक घंटे से ज्यादा मत करना ठीक है फिर आपको ऐसा नहीं लगा क्या यार पूरा दिन पढ़ते रहें फिर ऐसा नहीं लगने वाला आपको नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है ये प्री बोर्ड्स प्री बोर्ड्स आने वाले हैं प्री बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइस तो प्री बोर्ड्स के लिए पूरी मेहनत करना जो प्री बोर्ड्स के चैप्टर अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना बट प्री बोर्ड के ग्रेड्स जो आएंगे प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स आएंगे उससे अपना मन छोटा मत करना अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है फिर क्यों परेशान हो रहा है बट अगर आपको लग रहा है आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम मार्क्स आए हैं तो देखना कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं समझना कहाँ कहाँ आपने गलती करी है क्योंकि वो जहाँ जहाँ पे आपके मार्क्स कटे हैं वो स्ट्रिक्ट मार्किंग की वजह से कटे हैं जो आपके टीचर्स ने मार्क्स कट करें इसलिए करें हैं कि वो आपको ट्रेन कर दे कि कल को अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसी गलती हो तो वो आप ना करो समझ गए तो जो मार्किंग होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी प्री बोर्ड की आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आएंगे तो उससे सीख लेना मन छोटा मत करना अच्छा ठीक है यहां नंबर कट है इस चीज को मुझे ठीक कर लेना है ये बातें अपने दिमाग में रखो ये दो महीने जितने भी आपके दो महीने जाने वाले बार बार ये आपको तंग करेगी कभी आप सोचोगे मेरे को बहुत कम टाइम बचे मुझे कुछ नहीं आता कभी सोचोगे मेरा ये सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ कभी सोचोगे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कभी प्री बोर्ड के मार्क्स का जब रिजल्ट आएगा तो आप परेशान हो जाओगे कभी दूसरों का प्रोग्रेस देख के परेशान हो जाओगे तो आज मैंने आप कभी कहोगे मेरे से टाइम टेबल है फॉलो नहीं होते हैं तो आज मैंने हर एक चीज का आपको आंसर दे दिया है ये सेवन चीजें हैं जो आपका स्केड्यूल ब्रेक करती हैं जिसकी वजह से आज दिसंबर तक आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो इन बातों को समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग दिसंबर से आपको ये तरीके से पढ़ना है और ये बातें ध्यान में रखनी है मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर और भी आपके मन में कोई परेशानी है रिलेटेड टू योर स्टडीज जिसकी एक ऐसा रीजन जिसके तरह से आप पढ़ नहीं पाते हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उसको भी हम देख लेंगे क्या बात है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं मिलूंगी कल की वीडियो में जहां एक महीने का प्लान क्लास टेंथ का डिस्कस करेंगे एक महीने का प्लान क्लास ट्वेल्थ का डिस्कस करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बढ़िया तरीके से और अभी कंप्लीशन नहीं साथ में रिवीजन भी डाल दूंगी मैं कैसे रिवीजन भी करना है साथ के साथ में तो कल उन वीडियोस का आप लोग वेट करना से है कोई प्लान बनाया है वो भी तब फॉलो होगा गाइस जब इन सब बातों को देख लोगे और सोच लोगे ठीक है तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ